हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेन के कोच में लगे मोबाइल चार्जिंग पॉइंट फैन लाइट के लिए 110 वोल्ट डीसी का ही यूज क्यों किया जाता है, जबकि जनरली सप्लाई 220 वोल्ट की होती है। इस बात को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ रेलवे से जुड़ी सारी जानकारी डेली मिलती है। दोस्तों, ट्रेन के कोच में 110 वोल्ट का ही यूज क्यों किया जाता है, इस बात को समझने से पहले हम यह समझते हैं कि कोच में पावर आती कहां से है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, ICF कोच में ट्रेन के कोच के नीचे अल्टरनेटर बेल्ट के द्वारा व्हील से कनेक्ट होते हैं। जब ट्रेन चलती है तो ये अल्टरनेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जिससे कि ट्रेन में लगे 110 वोल्ट की बैटरी को चार्ज किया जाता है। दोस्तों, जब ट्रेन रुकी रहती है या 27 किलोमीटर पर आवर से कम स्पीड में रहती है तो बैटरी अपनी बैकअप से सप्लाई देते हैं, और जब ट्रेन तेज स्पीड में चलती है तो उससे अल्टरनेटर से इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जाता है। एसी कोच के लिए 110 वोल्ट डीसी को 3 फेज 415 वोल्ट के एसी में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे कि ट्रेन के कोच के एसी को चलाया जाता है। दोस्तों, ट्रेन में मोबाइल चार्जिंग पोर्ट पहले मात्र एसी कोच में दिए जाते थे, जिससे कि 415 वोल्ट की एसी को स्टेप डाउन करके 110 वोल्ट बनाया जाता था, जिससे उसके लाइट फैन और लैपटॉप चार्जिंग या मोबाइल चार्जिंग में यूज किया जाता था। बाद में लोगों के बीच मोबाइल की संख्या बढ़ने लगी, तब आगे चलकर स्लीपर कोच और जनरल कोच में भी मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मिलने लगे। दोस्तों, इस चार्जिंग पॉइंट में 110 वोल्ट डीसी सप्लाई होती है, जो कि सिर्फ मोबाइल के लिए यूज किए जाते हैं। इससे लैपटॉप को चार्ज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे अगर लैपटॉप को चार्ज करेंगे तो ओवरहीटिंग होगी और उसकी बैटरी डैमेज हो जाएगी। अब सवाल यह है कि रेलवे 110 वोल्ट डीसी ही क्यों चूज की। दोस्तों, हर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की एक स्टैंडर्ड होता है, जैसा कि 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, 110 वोल्ट। 1990 से पहले कोच में लाइट और फैन की सप्लाई के लिए 24 वोल्ट डीसी का यूज किया जाता था, क्योंकि 24 वोल्ट बहुत कम वोल्टेज होने से उनका करंट बहुत ज्यादा हो जाता था। H परला P इक्वल टू VI। अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज कम हो जाता है, अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाता है, जिससे कि बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। करंट ज्यादा होने से मोटे मोटे वायर लगाने पड़ते थे, नहीं तो वायर हीट होकर टूट जाते थे। फिर पूरे सिस्टम को 110 वोल्ट डीसी में अपग्रेड कर दिया गया, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाने से करंट कम हो गया, जिससे कि पतले पतले वायर से भी काम चलने लगे। दोस्तों, यहाँ पर आप क्वेश्चन जरूर करेंगे कि जब वोल्टेज बढ़ाने से करंट कम हो जा रहा है तो 110 वोल्ट ही क्यों चूज किया गया, इसके बदले 220 वोल्ट क्यों नहीं लिया गया। दोस्तों, 110 वोल्ट चूज करने के तीन मेन रीजन थे। तीनों रीजन को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि एसी और डीसी करंट में सबसे ज्यादा डेंजर कौन होता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट और एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। एसी करंट में फेज चेंज होते रहता है, मतलब कि एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव। जब इलेक्ट्रिसिटी बीच वाले पॉइंट पर पहुंचती है तब वह शून्य हो जाता है, जिससे अगर कोई इसे टच कर ले तो शून्य पॉइंट पर आने पर वह इलेक्ट्रिसिटी उसे बाहर की ओर झटका देगा, जिससे कि कोई इंसान बच सकता है। लेकिन डायरेक्ट करंट में कोई फेज चेंज नहीं होता है, यह डायरेक्ट चलते हैं। अगर इस डायरेक्ट करंट को एक बार कोई टच कर ले तो वह कभी छूटेगा नहीं, इसलिए 220 वोल्ट एसी से ज्यादा खतरनाक 220 वोल्ट डीसी होता है। इसलिए इस हाई करंट को ना लेकर 110 वोल्ट के लो करंट को चूज किया गया, ताकि काम भी चल जाए और नुकसान भी ना हो। अगर 220 वोल्ट डीसी लेते तो उसे इन्वर्टर से एसी में कन्वर्ट करना पड़ता, इसके लिए सभी कोच में इन्वर्टर लगाने पड़ते। चूंकि बैटरी के डायरेक्ट 110 वोल्ट से काम चल जा रहा है तो इतना खर्च क्यों करना। इसके साथ एक मेन बात यह भी है कि अगर 220 वोल्ट को यूज किया जाता तो लाइट और पंखे भी 220 वोल्ट के ही लगाने पड़ते, जिसे कि लोग चोरी करके ले जाते, क्योंकि घर में भी 220 वोल्ट का यूज होता है तो पता चलता कि रेलवे के सारे लाइट और फैन लोगों के घरों में लगे हुए हैं। 110 वोल्ट होने से कोई चोरी नहीं कर सकेगा, क्योंकि वह इसे कहीं पर यूज नहीं कर पाएगा। इस तरह से अब आप समझ गए होंगे कि रेलवे 110 वोल्ट डीसी का ही यूज कोच में क्यों कर रही है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।